हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओम साई कुकिंग क्लासेस। आज मैं आपके लिए महाराष्ट्र की बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी लेके आई हूँ। ये है कांदे पोहे। वैसे तो कांदे पोहे बनाना बहुत सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी कांदे पोहे बहुत ड्राई हो जाते हैं, कभी बहुत गीले गीले हो जाते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं। ये क्यों होता है, क्यों वो सूखे बनते हैं, क्यों वो चिपचिपे बनते हैं, ये सारी बातें मैं आपको दिखाऊंगी और ऐसे कांदे पोहे दिखाऊंगी जो एक बार आप बना लोगे तो हर बार बनाने का दिल करेगा। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो ये जो आप पोहे लेते हो, आपको ये ध्यान रखना है, ये ना तो बहुत मोटे होने चाहिए ना बहुत पतले। यहाँ मैंने स्वस्तिक के पोहे यूज किए हैं। ओके, तो ये ब्रांड के जो पोहे रहते हैं ना तो बहुत मोटे रहते हैं ना बहुत पतले। इसे बस थोड़े पानी से धो लीजिए, फटाफट से धोना है, पानी में ज़्यादा देर भिगो के मत रखिए, छन्नी में डालिए, धो लीजिए और मैं अब इसे साइड में कर देती हूँ। ओके, देखिए मैंने बस पानी डाला है, हल्के हाथ से इसे मिक्स करना है नहीं तो इसका चूरा हो सकता है, और इसे अब आप साइड में रख दीजिए। अब आपको एक कढ़ाई लेनी है जिसमें आप 4 टेबलस्पून तेल डालोगे। ओके, और इसमें यहाँ मैंने 1/4 कप मूंगफली डाली है, इसे आप अच्छे से पहले रोस्ट कर लीजिए। पोहे बनाते वक्त ये ध्यान रखना है कि तेल ज़्यादा नहीं डालना है, हल्दी ज़्यादा नहीं डालनी है और पोहों को ज़्यादा भिगोना नहीं है। ज़्यादा भीगेंगे तो उसका टुकड़ा पड़ता है और फिर आपके पोहे बराबर से नहीं बनते। तो ये मैंने तल लिया है, इसे मैं निकाल लेती हूँ। अब उसी तेल में हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून राई, देन 10 से 12 मैंने कड़ी पत्ता डाले हैं, हरी मिर्ची डाली है 2, आप हरी मिर्ची कम ज्यादा कर सकते हो और इसे आप अच्छे से भून लीजिए। इसके बाद मैं बारीक कटा प्याज डालूंगी 2, आपको 2 बड़े साइज के प्याज डालने हैं। जो पोहा रहता है, अगर आपको मॉइस्ट बनाना है तो इसमें आप प्याज अच्छे खासी क्वांटिटी में डालिए। तो यहाँ मैंने 2 बड़े प्याज डाले थे जिसे फाइन चॉप किया था, अब मैं इसे सुनहरा होने तक होने देती हूँ। तो ये पोहे देखिए कितने खिले खिले हैं, अगर आप इसे बहुत देर ऐसे ही भिगो के रखोगे तो इसका टुकड़ा पड़ेगा। सो एक बाउल में ये मैं पोहे ले लेती हूँ, इसमें मैं कटा धनिया डाल रही हूँ 1 से 2 चम्मच, इसी में मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून शुगर और इसे आप अच्छे से मिला लीजिए। यहाँ मैं 1/4 टीस्पून हल्दी डाल रही हूँ, हल्दी आप तेल में भी डाल सकते हो, थोड़ा सा नमक डाल दिए स्वाद के अनुसार, कभी भी पोहे में ज्यादा नमक मत डालिए। ओके, आप जो हल्दी या तेल में डालोगे तो भी चलेगा, लेकिन आप ऐसे मिक्स करके तुरंत डालते हो वैसे भी चल जाता है। ओके, तो यहाँ हमारा प्याज अच्छे से भून चुका है, मैं थोड़ी सी और हल्दी तेल में डाल देती हूँ और ये सारे पोहे मैंने डाल दिए। अब जब आप इसे हिलाते हो तो ये जो चम्मच दिख रहा है ना, इस टाइप का आपको करछी लेनी है और इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यहाँ मैं डाल दूंगी मूंगफली, अब सारी चीजें मिक्स हो चुकी है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करूंगी, क्योंकि अगर आप इतने ड्राई खाओगे तो आपके गले में लगेंगे, तो थोड़ा सा आपको ऊपर से पानी स्प्रिंकल करना है। ये कंपलसरी आप स्प्रिंकल कीजिए, अगर आपके पोहे ज्यादा भीगे हुए तो मत कीजिए। और इस पे आप ढक्कन लगा के कम गैस पे 2 से 3 मिनट होने दीजिए, ये स्टेप बहुत जरूरी है, इससे आपके जो पोहे बनेंगे वो मॉइस्ट बनेंगे। तो ये देखिए कितने खिले खिले पोहे बने हैं बिना टूटे। और इस अगर आपको नींबू पसंद है तो 1/2 टीस्पून या आधा नींबू का रस आप डाल सकते हो आपके स्वाद के अनुसार। थोड़ा थोड़ा नींबू का रस डाल के देखिए और टेस्ट करके देखिए आपको कितना पसंद है। सो जब आप पोहे को सर्व करते हो तो ऊपर से कटा धनिया डालिए और थोड़ी सी नायलॉन सेव डालिए, जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा लगता है। तो ये है हमारे गर्मा गर्म महाराष्ट्रियन स्टाइल पोहे।